फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस रीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिलक। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैं आज आप सभी को जो है पढ़ाऊंगा कि लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर में क्या होता है, उसके बारे में पूरा जो है आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तीनों ही चीजें जो है अच्छे से समझाऊंगा। तो जो लोग नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल के आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्टिंग। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसकी डायग्राम जो बना ली है, ये है लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर। अब मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारी चीजें जो है मैं आपको इसका जो बता रहा हूं। तो देखिए, पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, द लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर, दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। ये जो है बेस्ड है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ लिक्विड पे, विथ राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर फॉर इंडिकेटिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। यही है इसका प्रिंसिपल। और एक बार समझा रहा हूं, देख लीजिए, दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर फॉर इंडिकेटिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ये इसका प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखने से पहले इसकी डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में क्या है? लिक्विड फील्ड बल्ब है, कैपिलरी बल्ब है, कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हैं या फिर बल्ब बोल सकते, कैपिलरी ट्यूब या बल्ब, ये कैपिलरी ट्यूब है। ये केस है बॉर्ड एंड ट्यूब, लिंकेज, पॉइंटर, कैलिब्रेटेड स्केल। तो यही है। तो चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? इन दिस थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फील्ड बल्ब, कंसिस्ट ऑफ लिक्विड बल्ब, कैपिलरी ट्यूब, बॉर्ड एंड ट्यूब, लिंकेज, पॉइंटर एंड कैलिब्रेटेड स्केल। जो है वही मैं आपको बता रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड बल्ब, कैपिलरी बल्ब या फिर ट्यूब बोल सकते हैं अपन, बॉर्ड एंड ट्यूब, लिंकेज, पॉइंटर एंड कैलिब्रेटेड स्केल। द बल्ब यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। क्यों बना हुआ? बिकॉज इट स्टैंड्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को अपने को मेंटेन करना है एंड रिसीव्स द टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली। ये इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम बढ़ते हैं इसके वर्किंग की तरफ। वर्किंग कुछ नहीं है, सिंपल है वर्किंग। देखिए, व्हेन बल्ब, जब हम बल्ब को इंसर्ट करेंगे या फिर डिप करेंगे हॉट बाथ में, जिस बल्ब के लिक्विड का अपने को टेम्परेचर मेजर करना है, क्या बोल रहा हूं, व्हेन बल्ब इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ व्हिच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, क्या होगा, द लिक्विड इन द बल्ब क्या करेगा, रिसीव करेगा हीट को। एज द चेंज इन टेम्परेचर, जैसे चेंज होगा टेम्परेचर, क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, एक्सपांड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द लिक्विड एक्सपांड एंड फॉर्मेशन होगा इसका वेपर्स में, वेपर्स में फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, जो वेपर्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा, ये वेपर जो होंगे बल्ब से जाएंगे कैपिलरी, अभी कैपिलरी से तो ऊपर ऊपर जाएंगे और पहुंच जाएंगे बॉर्डर ट्यूब। अब बॉर्डर ट्यूब का वर्किंग शुरू होता है। अभी बॉर्डर ट्यूब में होता क्या है, बॉर्डर ट्यूब ये जो है एक इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ होता है और ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जिन लोगों को दोस्तों नहीं पता होगा कि बॉर्डर ट्यूब में क्या होता है, तो वो ऊपर की जो आई बटन होगी उसको क्लिक करे, वहां पे मैंने उसकी जो है एक वीडियो सेपरेट बनाया हूं, वो वीडियो आप देख लीजिए कि बॉर्डर ट्यूब मींस क्या होता है, उसका मैंने पूरा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारी चीजें जो है मैंने पूरी जो है समझा के रखा हूं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये चला जाएगा बॉर्डर ट्यूब में। अब बॉर्डर ट्यूब क्या है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ होता है। तो क्या होगा, जो वेपर्स होंगे वो
अपवर्ड जाके ये बोरडॉन ट्यूब में चले जाएंगे। ये बोरडॉन ट्यूब में क्या होगा, प्रेशर जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होगा, जो बोरडॉन ट्यूब होगा वो क्या होगा, ये इसका शेप जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि जो प्रेशर जो होगा कम ज्यादा होगा, और प्रेशर कम ज्यादा होने से ये जो होगा उसका साइज जो होगा चेंज होता जाएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। फिर यहां से ये निकल जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे लिंकेज है, लिंकेज एक एंड ऐसा होगा जो फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। अभी फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन होने से क्या होगा, जो प्रेशर से फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, और वो फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये पॉइंटर जो होगा मूव होगा, यहाँ पे स्केल लगी हुई है, और जहां पे रुकेगा जो रीडिंग अपने को मिलेगी वो होगी उसकी रीडिंग। अभी इसमें अपने को जो रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी बिटवीन अप टू 87 टू, इसमें अपने को रीडिंग मिलेगी 87 टू 371 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतने में अपने को जो इसकी रीडिंग मिलेगी, ये होगी इसकी रीडिंग 87 टू 371 डिग्री सेल्सियस, इसकी जो है रीडिंग होगी। अभी ये हो गया उसका रीडिंग। अभी हम इसमें जो है डिफरेंट लिक्विड्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए। मैं लिख के दे रहा हूं, पहले जो है हम मिथिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। मिथिल क्लोराइड अपन कितने में यूज कर सकते हैं, 0 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। बाद में यूज कर सकते हैं हम इथेनॉल। इथेनॉल कितने में, इथेनॉल यूज कर सकते हैं हम 50 to 170 डिग्री सेल्सियस। फिर यूज कर सकते हैं टोलिन। टोलिन कर सकते हैं 150 to 250 डिग्री सेल्सियस। और H2 यूज कर सकते हैं 120 to 220 डिग्री सेल्सियस। तो अपन इतने चार लिक्विड्स मैंने बताए हैं। मिथिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं हम 0 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। इथेनॉल यूज कर सकते हैं 50 to 170 डिग्री सेल्सियस पे। टोलिन यूज कर सकते हैं 150 to 250 डिग्री सेल्सियस पे। और वाटर यूज कर सकते हैं अपन 120 to 220 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही है इसका वर्किंग। तो बहुत ही इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। मैंने ये वीडियो में पूरा समझा दिया हूं, और जिन लोगों को नहीं समझा होगा तो मेरे को कमेंट करें, कुछ डिफिकल्टी होंगी तो मैं कुछ अगर नहीं समझा होगा तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा इजी इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। और जो लोग नए हैं प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बाजू में लगे बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं इसी के साथ मैं फिर मिलता हूं और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।